हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, अलवर जिले की बहरोड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कैंटीन संचालक से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार बहरोड थाना प्रभारी विनोद सांखला ने बताया कि जागुवास निवासी बलबीर प्रजापत ने 17 नवंबर को मामला दर्ज कराया था। मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया था जिसमें मुझे धमकी दी गई है कि 50 लाख रुपए फिरौती के भेज देना, नहीं तो तेरे बेटे शेर सिंह का, जो नीमराना कंपनी में कैंटीन चलाता है, का अपहरण कर लिया जाएगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। अनुसंधान कार्यवाही करते हुए बहरोड थाना पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दस्तयाब किया बदमाशों के मोबाइल में व्हाट्सएप तथा इंस्टाग्राम की डिटेल देखी तो उसमें अपराधियों का एक ग्रुप मिला, जिसको हमने दस्तयाब किया था वो सीधा इस घटना में शामिल नहीं था, इसका भाई था जो जेल में 376 मामले में अभी बंद है और उसके साथी थे। उसके बारे में जब हमने फेसबुक से डिटेल ली तो एक नंबर मिला, उस नंबर के आधार पर हमने दूसरे लोगों की तलाश शुरू की, जिस पर हमने इनकी पूरी गैंग को गिरफ्तार किया और पाया कि परिवादी के बेटा जो नीमराना में कैंटीन चलाता है, इसी कैंटीन में एक अन्य लड़का काम करता था जिसको कैंटीन संचालक परिवादी के बेटे ने काम से निकाल दिया था। उस रंजिश को रखते हुए उस लड़के ने इन लोगों से मिलकर फेसबुक के जरिए त्रिवादी के बेटे से संपर्क किया और मारने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपए फिरौती देने की मांग की। अनुसंधान करते हुए हमने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक मुख्य आरोपी प्रदीप उर्फ गिल्लू उर्फ कैरा जींद का रहने वाला है, साहिल उर्फ गुरगोविंदी सिरसा खेड़ी का रहने वाला है, अनिल उर्फ लीलू टोहना का रहने वाला है, मक्खन धमतान साहिब का रहने वाला है, कर्मपाल रडसाना का बास राजस्थान का रहने वाले को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है आरोपियों से और वारदात खुलने की संभावना है। आपके क्षेत्र की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज टुडे। क्या मामला है? मामला ये था, जागुआस का एक निवासी है बलबीर प्रजापत, उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरा बेटा नीमराना की कैंटीन चलाता है कंपनी में और मुझे एक व्यक्ति धमकी दे रहा है व्हाट्सएप कॉल के जरिए 50 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है, जिसका हमने प्रकरण दर्ज करके उसका अनुसंधान किया। तो चूंकि आरोपी व्हाट्सएप कॉल कर रहा था तो उसके संबंध में हम व्हाट्सएप को हम डिटेल के लिए लिखा, लेकिन उसके साथ साथ हम टेक्निकल एविडेंस के साथ साथ हम ट्रेडिशनल एविडेंस भी ले रहे थे और ट्रेडिशनल तरीके से हम इसके अनुसंधान कर रहे थे। तो हमने पाया कि ये व्यक्ति जो व्हाट्सएप कॉल कर रहा है वो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, नॉर्मल कॉल नहीं कर रहा, वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम था जिसको हमने ट्रेस किया तो वो हरियाणा के धमतन साहिब एक जगह है जींद जिले वहाँ का था। तो हमने उसको वहाँ दस्तयाब किया तो उसके व्हाट्सएप की डिटेल, इंस्टाग्राम की डिटेल और ये देखी तो एक अपराधियों का एक बड़ा गठजोड़ था, कई लड़कों का एक ग्रुप था। चूंकि ये जो लड़का जिसको हमने वहाँ से दस्तयाब किया था, ये लड़का डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, इसका भाई जो जेल में बंद था 376 के मामले में, ये इसके साथी थे, भाई थे जो अभी राइवल है। उसके बारे में जब हमने फेसबुक से डिटेल ली तो एक नंबर मिला, उस नंबर के आधार पर हमने उन दूसरे लोगों की तलाश की, जिस पर हमने इनकी पूरी गैंग, जो ये लड़के धमकी दे रहे थे, ये 3 लोग यहाँ पर आए हुए थे और 3 लोग इनको हमने अरेस्ट किया और अरेस्ट करने पर पाया है कि जो व्यक्ति परिवादी का लड़का है जो कैंटीन चलाता है, इसी की कैंटीन में एक अन्य व्यक्ति पहले नौकरी करता था जिसको इस व्यक्ति ने, परिवादी ने निकाल दिया था। उस रंजिश को रखते हुए उसने इन लोगों से जरिए फेसबुक संपर्क किया और मारने की धमकी अथवा 50 लाख रुपये लेने की फिरौती लेने की धमकी दी। हमने सभी 5 आरोपी इसमें टोटल हैं और 5ों को हमने गिरफ्तार कर लिया। कहां से गिरफ्तार किया है, कहां से रहने वाले हैं? ये 4 लोग तो हरियाणा के हैं, हरियाणा में भी अलग अलग जगह है, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी है वो जींद का है प्रदीप उर्फ गिल्लू उर्फ कैरा, तो ये जींद का है जो धमकी दे रहा है। उसके जो 2 साथी हैं वो 2 साथी, एक धमतन दास का है, दूसरा रोहतक का है और एक दो तक के पास का है।
ये चार लोग तो ये हैं और पांचवा एक कमरपाल जो कि चूरू जिले का रहने वाला है, जो कैंटीन में इसके साथ नौकरी मतलब इसकी कैंटीन में काम करता है, वो है। हम पांचों को अरेस्ट कर लिया, पांचों हमारी, इनसे हम अनुसंधान कर रहे हैं, इनसे अनुसंधान अभी ये कर रहे हैं कि जो फिरौती मांगने में इन्होंने कौन सी गाड़ी यूज ली है, कौन सा वेपन इनके पास है, तो उसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं। सर लोकल गैंग से भी शामिल है कि कुछ पता लगा? लोकल गैंग का भी इनमें कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट मिल नहीं रहा, फिर भी हम उस एंगल से हम अनुसंधान करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो उनको भी हम जरूर कार्रवाई करेंगे। सर इन्हीं खिलाफ कोई पहले मुकदमा दर्ज है, कोई जानकारी ली अपने स्थानीय थाने से? हाँ जानकारी आ रही है कि वो जो मुख्य जो आरोपी है प्रदीप और कैरा, वो वहाँ पे वारदातें करता है, उसके बारे में हम आपराधिक रिकॉर्ड ले रहे हैं।